अक्सर आपने बेबाक बयानों को लेकर विरोधियों के निशाने पर रहने वाले महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा को एक बार फिर से धमकी भरा फोन कॉल आया है। नेपाल के नंबर से आए कॉल में फोन करने वाले ने बाबा को आश्रम के बाहर लाशें बिछा देने की धमकी दी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। एक बार फिर विरोधियों के निशाने पर राधे राधे बाबा, महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा को आया धमकी भरा फोन। नेपाल के नंबर से आए फोन कॉल में बाबा को मिली धमकी। धमकी मिलने के बाद अलर्ट हुई पुलिस, जांच में जुटी। विश्व हिंदू परिषद से जुड़े महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा को फोन कॉल पर धमकी मिली है, जहां नेपाल के नंबर से आए फोन कॉल में एक युवक ने बाबा को धमकी देते हुए आश्रम के बाहर लाशें बिछा देने की बात कही। जरा आप खुद ही सुनिए कि आखिर अज्ञात युवक ने बाबा को फोन कॉल पर धमकी देते हुए क्या कुछ कहा। हेलो, ऐसा है, राधे राधे बाबा बोल रहे हो? बोल रहा हूँ। ये जो तुम हमारे समाज के लोगों का उत्पीड़न इंदौर में करते हो ना, अरे कौन बोल रहे हैं आप? तुम बंद कर दो। आप बोल कौन रहे हो? मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उससे मतलब मत रखो। अरे आप, मैं जो सुन रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। ज्यादा मेरे से बैठक से बात नहीं करना। तुम बोल कौन रहे हो? तुम्हारा नाम बताओ, तुम बोल कौन रहे हो? पहले इतने चिथड़े हुएंगे तुम्हारे, इतने चिथड़े हुएंगे कि पाएंगे। ज्यादा दिमाग से ना, ऊंचे दिमाग से बात मत करो मेरे से, है ना? तुम बोल कर तुम्हारा नाम बताओ। तुम जरा कि तुम्हारा हाल क्या होने वाला, क्या कर लोगे तुम मेरा? तुम मेरा क्या कर लोगे? तुम्हारे घर के सामने तुम्हारी लाश 5660 घूमते, कभी झांकने कोशिश भी मत करना, नहीं जूते बहुत पड़ेंगे ना। अब तुम इसका परिणाम देखना, जो तुम हमारे हाँ दिखा ले रहा तेरे समाज के लोगों के साथ में। अरे तुम बहुत साले कौन से समाज के हो, तुम बताओ ना मेरे को। तुम्हारे घर के सामने जो है, तुम्हारे घर के सामने लाशों का ढेर। हाँ हाँ, तो हम लगवा देना, लगवा दे। कब लगाओगे बताओ? मैं आऊँ तुम्हारे यहाँ कितना दिन में लगाओगे ना जो हमारे समाज? अरे मैं क्या कर रहा हूँ, कितना दिन में लगाओगे? मैं आऊँ तुम्हारे सामने, तुम्हारा नाम क्या तुम बताओ? तुमको मैं बताऊँ जरा? एक महीने के अंदर इसका परिणाम देखना। हाँ बस कर लेना ठीक है, ज्यादा बोलता नहीं, बस तुम इसका परिणाम देखना। हाँ ठीक है, चल रख फोन। तो सुना आपने कैसे युवक राधे राधे बाबा को फोन कॉल पर धमकी दे रहा है। वहीं इस पूरे मामले में महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा की माने तो पिछले दिनों उनके द्वारा दिए गए एक बयान के बाद उन्हें इस तरह की धमकियां दी जा रही है। देखिए, मैं शुरू से ही हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ हूं, आरएसएस से जुड़ा हुआ रहा हूं, विश्व हिंदू परिषद से कल भी जुड़ा हुआ था, आज भी जुड़ा हुआ हूं। और मेरे को ये धमकी आज जो है बड़े गलत तरीके से करीब 8:25 पर बाहर से कॉल आया। वो पाकिस्तान का था या नेपाल का था कहीं बताओ, लेकिन हिंदुस्तान से बाहर का कॉल था। उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, मेरे टुकड़े करने की धमकी दी, और कहा कि तुम्हारे आश्रम के बाहर हम लाशों का ढेर बिछा देंगे और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके फेंकेंगे, और तुम ध्यान रखना, तुम हमारे समाज के खिलाफ बड़ा गलत काम करते हो। ऐसा करके उसने मुझे बहुत ही गलत से जो धमकियाँ दी है, और मैंने पूरे उससे बार बार मैंने पूछने की कोशिश की कि भैया तू कौन बोल रहा था? उसने अपना नाम नहीं बता रहा था, लेकिन बार बार ईशान अल्लाह ऐसा वो बोल रहा था। उसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने पुलिस को उपलब्ध कराई और मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी। अभी सब मिलके भी गए हैं, अभी प्रशासन को देखना है कि उसके ऊपर क्या कार्रवाई करना है। आप क्या चाहते हो प्रशासन से, क्या कार्रवाई करना चाहते हो? नहीं, मैं चाहता हूँ कि ऐसे मेरे ऊपर पहले भी हमले हुए हैं, मेरे को ऐसे पहले भी जानकारी आई है, और मेरे के ऊपर हमले भी हुए हैं, मेरे को धमकियाँ पहले भी आई है, और ये मेरे को ये विदेश से जो धमकी आई है ये बड़ी घृणित वाली धमकी आई। मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ ही दिन पहले मैंने जो जावेद अख्तर जो थे, जिन्होंने तालिबान को लेकर और संघ की हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो हमारा हिंदूवादी संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, उसकी तुलना उससे की थी, तो मैंने कहा था ऐसे लोगों की मानसिकता खराब रहती है, जिनको तालिबान से प्रेम है वो पागल हो चुके हैं, उनको तालिबान भेज देना चाहिए, अफगानिस्तान भेजना चाहिए, जिनका ऐसा पाकिस्तान प्रेम उनको वहाँ भेज देना चाहिए। मैं ऐसी कोई धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। मैं फिर कहता हूँ कि ऐसे लोगों को तालिबान भेजना चाहिए। अभी वर्तमान में मेरे ऊपर स्थानीय स्तर के ऊपर एक PSO मेरे यहाँ लगा हुआ है, और प्रशासन जो उचित समझेगा वो प्रशासन का विषय, वो सुरक्षा जैसी उसको लगेगी उपलब्ध कराएगा। पूरा मामला सामने आने के बाद पुलिस के आला अधिकारी महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा से मिलने के लिए पहुंचे, जहां पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। नंबर आया है राधे राधे बाबा के पास, वो नेपाल का कंट्री कोड है, और फ़ोन कहाँ से आया है, क्या उसकी लोकेशन है, इसके बारे में जांच की जा रही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट जो होती है FIR, ये थाना छत्रीपुरा में पंजीबद्ध की जा रही है, और पुलिस का प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी ये नंबर कहाँ से आया है उसके बारे में पता करें, और साथ ही किसका नंबर है उसके बारे में पता करें। धमकी जो दी है जान से मारने की, और इस तरह की धमकी है कि हम देख लेंगे, पर ये कोई विषय वस्तु नहीं है। बस ये चीज़ है कि किसी ने धमकी दी है,
और बाबा जो है पूज्य है, और कोई भी व्यक्ति हो उस पर यदि कोई धमकी मिलती है तो पुलिस का ये दायित्व है कि वो केस रजिस्टर करके पता लगाए। देखा जाए तो पहले भी महामंडलेश्वर राधे राधे बाबा को इस तरह की धमकियां मिल चुकी है, जहां कई बार बाबा हमले का शिकार भी हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।